एक तो जुर्म छुपा हुआ होता है ना, दूसरी बगावत। दुनिया की हुकूमत है, छुपे हुए जुर्म को तो माफ कर सकती है, और अगर गिरफ्त हो भी सजा मिलेगी, मगर यह कि उसको कत्ल की सजा नहीं होती। छुपे हुए जुर्म आमतौर पर तो वैसे मुआवर में थोड़ी बहुत सजा देकर छोड़ देते हैं, मगर दुनिया के किसी हाकिम की कोई बगावत करे, खुली हुई बगावत, उसकी सजा मौत होती है, मौत, उसको कभी माफ नहीं किया जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल उम्मती मुआफ़न इल्ला मुजाहिरीन, मेरी पूरी उम्मत को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दें तो उनकी रहमत से कुछ बईद नहीं। ये हुक्म जो बयान फरमा रहे हैं, ये कायदा, तो ये तौबा के बारे में नहीं है, यानी वादा नहीं है कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे, वादा तो है तौबा पर। तौबा करने से बड़े जुर्म, बड़े से बड़े गुनाह, वो तो एक लम्हे में सारी स्याही धुल जाती है तौबा करने से। इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, तो ये तौबा के बारे में नहीं है, उसकी रहमत को जोश आ जाए तो बगैर तौबा के सब वाह। आगे जो बात बताऊंगा उसे समझने के लिए पहले ये बात खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि ये नहीं फरमा रहे कि एक दो आदमियों को या दो चार सौ को या दो चार हजार को या दो चार लाख को, नहीं, पूरी उम्मत को माफ कर दें। और ये नहीं फरमा रहे कि एक दो गुना माफ कर दे या पांच दस गुना माफ कर दे, सारी माफ कर दे। अल्लाह के रहमत से कुछ बईद नहीं कि क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत के सारे गुनाह माफ कर दे, ये अल्लाह के रहमत से बईद नहीं। इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी रहमत। अब सुनिए आगे की बात। फरमाया, इतनी बड़ी रहमत के बावजूद अल्लाह ताला बगावत करने वालों को, खुले हुए गुनाह करने वालों को, ऐसे गुनाह जिनको दूसरे भी देखें, खुले हुए हलालिया गुनाह, उनको अल्लाह ताला हरगिज 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 कभी माफ नहीं करेगा, उनको माफ नहीं करेगा। इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी, और फिर फरमाया कि उनको माफ कभी नहीं करेगा।